हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज चैप्टर 8 का 8.3.3 कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस, बराबर। ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो हमें जानने की बहुत इंटरेस्ट होता है, अभी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब मेल फीमेल, राइट। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, तो ये प्रोसेस कैसे होता है। लेट अस बिगिन एट एन अपरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। All of us know that our bodies change as we become older. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी चेंज होती है, बराबर, बॉडी में चेंजेस आते हैं। Our height increases from class 2 to class 10, right? Class 2 से class 10 तक में जाते हैं, वहाँ तक हमारी हाइट बढ़ती है। And so does our weight, right? हमारा वेट भी बढ़ता है। We acquire teeth, we even lose the old so called milk teeth, right? Milk teeth हमारे चले जाते हैं, फिर राक्षसी दांत आ जाते हैं, and acquire new ones, right? All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger, right? तो ये time पर body large बनती है, but in earlier teenage years, टीनेज मतलब 13 से लेकर 19 तक, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स, राइट। जो चेंजेस है उसका पूरा एक सेट हो जाता है जो नया आ जाता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट, राइट। जैसे बॉडी हमारी बड़ी होती है वो एक सिंपल चेंज है, लेकिन जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सके ऐसे चेंजेस भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, राइट, हमारी बॉडी का अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। प्रपोर्शंस चेंज, न्यू फिगर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशंस। सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कितने चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज और गर्ल्स में सेम होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. Right? Body पर hair आने शुरू हो जाते हैं। Thinner hair can also appear on legs. Legs के ऊपर thinner hair आने शुरू होते हैं, and arms as well as on the face पर भी कई हेयर आते हैं। द स्किन frequently becomes oily, स्किन कैसी हो जाती है, ऑयली बन जाती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स, और पिम्पल्स भी आने स्टार्ट होते हैं। वी बिगिन टू बी कंसिशियस एंड अवेयर ऑफ बोथ अवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज, राइट। हमारी बॉडी और दूसरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होता है वो थोड़े हम अवेयर हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन्स टू इंक्रीज, राइट, विथ डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। Also, girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack. Right, boys का voice crack होना start होता है. Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night.
ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, तो ये सारे चेंजेस जो है धीरे धीरे चेंज होते हैं. वी हैव अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, तो उसमें पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर लग जाता है ये सारे चेंजेस होने में. दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम, ये सारे चेंजेस एक साथ में नहीं होते, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इन वन पर्सन. नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, कोई एग्जैक्ट एज पर नहीं होता है, राइट किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है. इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कितनों में जल्दी हो जाता है और स्पीड में हो जाता है. वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन वेरी स्लोली, राइट दूसरों में स्लोली भी होता है. ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कम्प्लीटली क्विकली आइदर. सो फार फॉर एग्जाम्पल थीक हेयर ऑन द फेस ऑन इन बॉयज अपीयर्स एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म. इवन सो ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, तो ऐसे लोगों के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज, राइट और फिंगर्स, तो नोज फिंगर्स ये सब हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं. सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ, तो हेयर ग्रोथ भी सब में अलग अलग होता है कि कितनों में ज़्यादा हेयर आ जाते हैं कितनों में कम होते हैं. और साइज एंड शेप और ब्रेस्ट और पेनिस, राइट ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द बॉडी. All of these changes are aspects of the sexual menstruation of the body. Why does the body show sexual menstruation at this age? बराबर ये एज पर सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन मैच्योरेशन क्यों होता है मैच्योरेशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टी सेल्यूलर बॉडीज, राइट मल्टी सेल्यूलर बॉडीज जो है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स होती है, मतलब अमुक सेल से अमुक वर्क ही होता है. टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, राइट स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशल सेल होते हैं. द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, राइट एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम. ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पज. हाउ एवर वाइल द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ. वाइल दैट इज हैपनिंग द मैच्युरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रायोरिटी. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty, right? तो puberty इसको हम बोलेंगे, adolescence की age पर ये सब जो होता है उसको हम puberty age बोलते हैं, मतलब teenage को हम puberty age बोलते हैं. So how do all these changes that we have talked about link to the reproductive process? तो ये सब reproductive process से कैसे link है. We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together, right? तो sexual mode of reproduction में दो की ज़रूरत होती है, male and female. This can happen by the external release of germ cells from bodies of individuals as happens in flowering plants. जैसे flowering plants में germ cells release होते हैं, ऐसे humans में भी germ cells release होते हैं. Or it can happen by two individuals joining their bodies together, right? तो दो individuals की bodies join होगी तो reproduction होगा. For internal transfer of germ cells for fusion, right? Fusion, internal
ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉडीज टुगेदर होगी. एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स, इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल्स. मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस. राइट, मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज हेयर ग्रोथ आर सिग्नल्स दैट. तो प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है. ऑन द अदर हैंड द एग्जैक्ट ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल एक्ट. राइट, तो सेक्सुअल एक्ट के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सच एज पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट. इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन मदर्स बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड. राइट, 9 मंथ के लिए मदर्स बॉडी के अंदर बेबी होता है एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज. लेट अस लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है वो अभी हम देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे.